कल से अनलॉक हो रही है दिल्ली। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक बाजार खुलेंगे, ऑड इवन को भी मिली छूट। दिल्ली सरकार ने दिया कोरोना के कम होने का हवाला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है जरूरत, इसीलिए हम खोल रहे हैं दिल्ली। ट्रेन में आ चुकी है, कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। दिल्ली में कल से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, लेकिन 50% लोगों को बैठने की मिलेगी अनुमति। दिल्ली में ढील के बीच बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, जिम और स्पा भी रहेंगे बंद। राजस्थान कांग्रेस में जारी है राजनीतिक दंगल, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं सचिन पायलट। कल से अनलॉक हो रही है दिल्ली, सुबह 10 से 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटों में 255 नए मरीज, 23 की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार हुई कम, पिछले 24 घंटों में 80,834 नए मामले। झारखंड में शनिवार की शाम सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन का ऐलान, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत को लेकर विवाद, कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाया आंकड़े छुपाने का आरोप। कल से दिल्ली में खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक दंगल, प्रियंका से मिल सकते हैं सचिन। राजस्थान में सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश में कांग्रेस, पायलट के 4-5 विधायकों को मिल सकती है मंत्रिमंडल की जगह। कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को दी है जिम्मेदारी, गहलोत पायलट के बीच कर रहे हैं मध्यस्थता। राजस्थान में फिर से फोन टैपिंग का जिन, सचिन पायलट के समर्थकों ने लगाया जासूसी का आरोप। गहलोत के मंत्री का जवाब, सरकार का काम फोन टैप करना नहीं है। उसके बाद बैकफुट पर आई है, अब इधर उधर की बात करती है बीजेपी, तो मैं इतना कह सकता हूँ राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टैपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है। राजस्थान बीजेपी में भी कलह, पार्टी मुख्यालय में होर्डिंग्स में वसुंधरा राजे का फोटो गायब। पोस्टर होर्डिंग में वसुंधरा के गायब होने पर बीजेपी की सफाई, कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व तो बदलता है, पीढ़ी बदलती है, तो आज मैं हूं, जरूरी नहीं 20 साल बाद मेरा ही पोस्टर लगे, तो ये चीजें तो सामान्य सी बात है। झालावाड़ में भी वसुंधरा पर वार, चिपकाए गए गुमशुदगी वाले पोस्टर। पंजाब में तेज हुई कांग्रेस की अंदरूनी कलह, मुक्तसर से पोस्टर पर नहीं दिखी अमरिंदर सिंह की तस्वीर। बठिंडा में अमरिंदर के पोस्टर पर पोथी गई काले, पुलिस ने हटा दी तस्वीर। उत्तराखंड की कांग्रेस नेता इंदिरा हृदेश का हार्ट अटैक से निधन, दिल्ली आई थी पार्टी बैठक में शामिल होने। यूपी मंत्रिमंडल में हेरफेर के बीच राजनीतिक से बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आलाकमान तय करेगा किसके नेतृत्व में हम लड़े चुनाव। सब लोग मिलकर के काम करते हैं, हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन खरीद पर सवाल, 2 करोड़ की जमीन की कीमत 10 मिनट में कैसे हुई 18 करोड़। ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, 16 करोड़, 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी का भी मोर्चा, संजय सिंह ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप।
रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की बैठक, चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में हुई बैठक। तेल के दाम को लेकर कांग्रेस के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री का पलटवार, पूछा विपक्ष शासित राज्य क्यों कम नहीं कर रहे टैक्स। धर्मेंद्र प्रधान बोले, टैक्स के पैसे से केंद्र सरकार करती है भलाई और विकास के काम। एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर सारी अटकलों को खारिज किया, कहा एकजुट है गठबंधन, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर नहीं हुआ अभी कोई फैसला। टीएमसी में लौट सकते हैं बंगाल बीजेपी के नेता राजीव बनर्जी, आज पार्थ चटर्जी के घर पहुंचे, कल की थी कुणाल घोष से मुलाकात। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप, भीड़ में लोगों की भारी भीड़ के बीच किया कार्यक्रम। यूपी में कल दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रयागराज में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तपती झुलसती गर्मी से लोगों को मिली राहत। हिमाचल में प्री मॉनसून बारिश ने दी दस्तक, सोलन में जमकर बरसे बादल। भारी बारिश से ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों में जलमग्न हुई घर और सड़कें। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर दिखा मलबा, पेड़ गिरने से करीब 40 गांवों की बिजली हुई ठप। केरल में मानसूनी बारिश, कोच्चि में कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। कर्नाटक के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश, मंगलुरु में बरसात का सितम। पंजाब हरियाणा में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन का येलो अलर्ट, जोरदार बारिश की आशंका। मुंबई के घाट गोपर की एक सोसाइटी में हैरान करने वाली घटना, पार्किंग में खड़ी कार गड्ढे भरे पानी में डूब गई। कुएं को ढककर बनाई गई थी पार्किंग, सतह टूटने से हुआ हादसा, बीएमसी ने घटना से झाड़ लिया पल्ला। झारखंड में रामगढ़ जिले का कुल्ही पुल भारी बारिश से टूटा, दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूटा। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोर्टार शेल किया गया निष्क्रिय, बीएसएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। कोरोना काल में तेलंगाना सरकार की हाईटेक पहल, ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी दवा। जम्मू कश्मीर की गुलर झील में शुरू हुआ वैक्सीनेशन ड्राइव, मछुआरों के लिए विशेष इंतजाम। सूरत में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोगों में लापरवाही, बाजार में उमड़ी भीड़। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर गाड़ियों की लंबी लाइन, बिना ई पास जाने की इजाजत नहीं। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर की अनोखी पहल, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया वीडियो सॉन्ग। हैदराबाद में वैक्सीनेशन पर जागरूकता के लिए अच्छी कोशिश, वैक्सीन लगवाने वालों का गुलाब के फूल से स्वागत। रोहतक में पतंग के चाइनीज मांझे ने 25 साल के युवक की जान ली, प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से हो रही है इसकी बिक्री। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के भरतपुर में पानी की कमी को लेकर कोहराम, सड़कों पर उतरे हैं सैकड़ों लोग। मध्य प्रदेश के विदिशा में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पिछले 12 दिनों से लगातार कर रहे हैं आंदोलन। ओडिशा के कोरापुट में 1 करोड़ का गांजा बरामद, पंजाब को भेजे जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में रखी गई थी नशे की खेप। बिहार के सुपौल में विदेशी शराब का जखीरा बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में ब्लैकमेलिंग के आरोप में मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी गिरफ्तार, 2019 में बनी थी मिसेज राजस्थान। आसनसोल में भीषण सड़क हादसा, दवाओं से भरी गाड़ी और ट्रक की टक्कर, 3 की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 की मौत, खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार ने मार दी टक्कर। यमुनानगर में दहेज के आरोपी और पीड़ित पक्ष की थाने में हुई जमकर भिड़ंत, चले लात घूंसे। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 60 गिरफ्तार, रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने मारा छापा। इंदौर में सेल्फी लेने के चक्कर में एमबीबीएस की छात्रा की मौत, पुल से गिरकर हो गई मौत। सोनीपत में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लाबालिग ने उठाया हथियार, आरोपी की गोली मारकर कर दी हत्या। जमशेदपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, तालाब में हाई वोल्टेज तार गिरने से 4 की मौत। दिल्ली के बुराड़ी में बुजुर्ग महिला की गला काटकर हत्या, पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई भी सुराग।
खंडवा में दुकानदार की बेरहमी से हत्या, 800 रुपए के मोबाइल के लिए मार डाला। महाराष्ट्र नांदेड़ में मुफ्त खजाने की तलाश करने वाले गैंग का पर्दाफाश, जादू टोना, कानून के तहत मामला दर्ज। राजस्थान के बीकानेर में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेम प्रसंग से नाराज युवक ने बहन को मार डाला। मुंबई के मलाड की बेकरी में ड्रग्स वाले केक और पेस्ट्री का खुलासा, एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने कराई पति की हत्या, 2 लड़कों के साथ पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के दिन साइकिल रैली, एम्स के आरडीए ने किया आयोजन। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर परिसर में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन लगातार 3rd दिन जारी। लद्दाख स्काउट्स की पासिंग आउट परेड का शानदार नजारा, देश को मिले जांबाज युवा अफसर। चेक गणराज्य की बारबरा क्रिजिकोवा ने अपने नाम किया फ्रेंच ओपन महिला एकल। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लेफ्ट का हल्ला बोल, राजस्थान में चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। जम्मू कश्मीर में चेरी की बंपर पैदावार, पिछले साल के मुकाबले जबरदस्त क्वालिटी। जियो ने लॉन्च किए 5 नए प्रीपेड प्लान, नहीं रहेगी कोई डेली डेटा लिमिट, मिलेंगी आपको कई सुविधाएं। होटल कारोबार बढ़ाएगी आईटीसी, अगले 1 साल में 25 तक पहुंच सकती है तादाद, अभी ग्रुप के पास है 19 होटल। इसराइल में 12 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू से छीन ली गई सत्ता, 8 पार्टियों के गठबंधन सरकार ने संभाला कामकाज। नेफ्ताली बेनेट बने इसराइल के नए प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे नेतन्याहू। ब्रिटेन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन चीन को लेकर चर्चा, जिंगमिंग के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ फैसले। इंग्लैंड के तटीय शहर के बंदरगाह पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन पर अमीर देशों से ठोस कार्रवाई की मांग। ब्रिटेन में केट मिडलटन के साथ कार्निवाल के एक स्कूल के दौरे पर पहुंची जिल बाइडेन। कोरोना के चलते सऊदी अरब सरकार ने लगातार दूसरे साल हज यात्रा पर रोक लगा दी। अमेरिका में FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन की 6 करोड़ डोज पर लगाई रोक। ब्राजील में एक बार फिर से कोरोना, पिछले 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा मामले, 2,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने फिर से उड़ाई कोरोना प्रतिबंधों की धज्जियां की रैली। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 63 लाख के पार, अब तक 38,10,000 से ज्यादा की मौत।